तो बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लेटीहेलमिंथीज और एस्केहेलमिंथीज को हम लोगों ने देखा था, और आज हमें उसके आगे के फाइलम को कंटिन्यू करना था। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने लास्ट वीडियो अटेंड किया हो, और तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चे अपना कैमरा आप लोग ऑफ कर लेंगे, उससे क्या है आप लोग की नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। कैमरा की वजह से बेटा लोड बढ़ जाता है, जिससे आवाज़ और विजिबिलिटी जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होती है। ठीक है, तो आज का जो हम लोग फाइलम स्टार्ट कर रहे थे वो एनेलिडा फाइलम। ठीक है, और एनेलिडा फाइलम के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हमने जो जनरल कैरेक्टर को जब पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि एनेलिडा, या बोला जाए हमने सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा ये पॉइंट, सेगमेंटेशन जिसे हम मेटामेरिज्म कह रहे थे। तो एनेलिडा में ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जिनकी बॉडी में सेगमेंट पाया जाता है। ठीक है, तो यानी मेटामेरिज्म का पाया जाना इनका एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है, और एनेलिडा फाइलम के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अर्थवॉर्म का पिक्चर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट फेमस एग्जांपल है वो है अर्थवॉर्म। ठीक है, तो अर्थवॉर्म का पिक्चर दिमाग में आना चाहिए, और अर्थवॉर्म को देखते हैं तो उसकी बॉडी में हमें सेगमेंट दिखाई देते हैं, ब्राउन कलर की बॉडी दिखाई देती है, वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, लंबा होता है, वॉर्म के जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो अब एनेलिडा फाइलम में आते हैं और उसके पॉइंट्स, जनरल कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं। तो ये फाइलम के जो एनिमल्स हैं ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, और पैरासाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। सो एक्वेटिक का मतलब फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मरीन वाटर में भी रहते हैं, जिसमें एग्जाम्पल हमें नीरीज मिलता है। हम टेरेस्ट्रियल की बात करें, ज़मीन पर रहने वाले, तो ज़मीन पर रहने वाले अर्थवॉर्म हैं जो हमें कॉमनली मॉइस्ट सॉइल में मिलते हैं। मॉइस्ट सॉइल आप लोगों को याद होगा कि बारिश के मौसम में ही अक्सर जो अर्थवॉर्म है वो ज़मीन से निकलते हुए बाहर आते हैं, क्योंकि उन्हें मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और मॉइस्चर उन्हें चाहिए होता है किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि उनमें स्किन से रेस्पिरेशन होता है, तो उनकी स्किन को रेस्पायर करने के लिए हमेशा मॉइस्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, एंड टेरेस्ट्रियल की बात करें तो ज़मीन पर रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासाइट होते हैं। ठीक है, पैरासाइट, और पैरासाइट किस तरह के पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट होते हैं। ठीक है, एक्टो पैरासाइट, जिसमें एग्जांपल हमें मिलता है लीच, लीच या जोंक जिसको हम कहते हैं, जो ब्लड सकर होते हैं। यहाँ पर डायग्राम बना हुआ भी है लीच का, तो ब्लड सक करते हैं, और जो भी एनिमल यहाँ पर ब्लड सक कर रहा है जैसे लीच है, ये एक्टो पैरासाइट है, यानी होस्ट की बॉडी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर ये डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, और इसीलिए इसे एक्टो पैरासाइट हम कह रहे हैं। ठीक है, सिमेट्री की बात करें, हमारे दिमाग में है भाई बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यहाँ से बीचों बीच अगर हम लाइन इनको ड्रॉ करते हैं तो उन्हें दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनमें अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सब ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी तीन जर्मिनल लेयर, ऑल द थ्री जर्मिनल लेयर आर प्रेजेंट, जिसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म तीनों पाई जाती हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड यानी इनकी बॉडी में न्यूमरस सेगमेंट हमें मिलते हैं, ये हर एक सेगमेंट होते हैं, और मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब होता है कंप्लीट सेगमेंटेशन, यानी सेगमेंटेशन बाहर भी है और सेगमेंटेशन अंदर भी है, यानी ट्रू सेगमेंटेशन इनमें पाया जाता है। सेगमेंट्स आर बोथ प्रेजेंट फ्रॉम आउटर साइड एंड इनर साइड। ठीक है, दोनों तरफ से हमें सेगमेंट मिलता है, और इन्हीं सेगमेंट्स को हम मेटामर्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मेटामर्स। इन्हीं सेगमेंट को हम मेटामर्स कहते हैं।
और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो इनकी बॉडी को अगर हम इन सेगमेंट को डिवाइड करेंगे तो हर एक सेगमेंट हमें एक राउंड कॉइन लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है? हर एक सेगमेंट कैसा मिलेगा? राउंड कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, और इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है एन्यूलाई, ठीक है? क्या कहते हैं? एन्यूलाई, और इसी एन्यूलाई की वजह से इनका नाम पड़ा है एनेलिडा, ठीक है? तो राउंड कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इनकी बॉडी में न्यूमरस पाए जाते हैं जिन्हें एन्यूलाई कहा जाता है, और उसी एन्यूलाई की वजह से इनका नाम पड़ा है एनेलिडा। आगे देखें तो इनमें इनकी जो बॉडी वॉल होती है, यानी कि इनकी जो बॉडी की लेयर होती है, उसमें मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है? मसल्स कैसी होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है? तो दो लेयर मसल्स पाई जाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल, और इन्हीं मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनमें लोकोमोशन होता है, ठीक है? तो ये आपने अर्थवॉर्म को देखा होगा, कभी जब अर्थवॉर्म क्रॉल करता है तो उसके आगे के जो पार्ट है वो अलग, उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, पीछे के पार्ट्स में अलग रेट पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, और दोनों की वजह से ही वो आगे बढ़ पाते हैं। तो जनरली वो इसी लिए होता है क्योंकि उनकी बॉडी वॉल में जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं उनमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह ये जा पाते हैं, ठीक है? नीरीज जो कि एक एग्जाम्पल है, नीरीज पोजेस लेटरल अपेंडेजेस, ठीक है? तो नीरीज में लेटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं। लेटरल अपेंडेजेस क्या होते हैं? बॉडी के लेटरल साइड में लेग्स लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, ठीक है? ये बॉडी वॉल से ही निकलते हैं, ये कोई अलग सा स्ट्रक्चर नहीं होता, बॉडी वॉल से ही निकलते हैं, और इन्हीं बॉडी वॉल से निकलने वाले स्ट्रक्चर्स को पैरापोडिया कहा जाता है, ठीक है? तो ये पॉइंट याद रखना कि इनकी बॉडी में बॉडी वॉल से लेटरल अपेंडेजेस निकलते हैं जिन्हें पैरापोडिया कहा जाता है, एंड दे हेल्प इन स्विमिंग। तो एक्वेटिक हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए, एक्वेटिक हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए इनमें जो पैरापोडिया है वो इनमें स्विमिंग के लिए इनको इनेबल बनाता है, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम पे। तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा हुआ है, क्लोज सर्कुलेशन पाया जाता है। क्लोज सर्कुलेशन किसे कहते हैं भाई? ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हो, ठीक है? वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हो, जिसमें आर्टरीज प्रेजेंट हो, वेन्स प्रेजेंट हो, कैपिलरीज प्रेजेंट हो, तो उसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है? और इसी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से इनकी एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है? क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्लड वेसल्स होंगी सरफेस एरिया उतना ज़्यादा मिलेगा, और सरफेस एरिया उतना ज़्यादा मिलेगा तो गैस एक्सचेंज उतना ही एफिशिएंटली होगा, और इसीलिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपैरिजन में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट पाया जाता है, ठीक है? नेफ्रीडिया, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है नेफ्रीडिया को लेकर। जैसे हमारी बॉडी में किडनी होती है जो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन करते हैं, इनकी बॉडी में नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, ठीक है? सो इनके जो है अंडर डेवलप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें नेफ्रीडिया कहा जाता है, और सिंगल नेफ्रीडिया को नेफ्रीडियम कहते हैं, ठीक है? तो ये इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और दोनों प्रोसेस में हेल्प करता है, ऑस्मोरेगुलेशन में भी और एक्सक्रीशन में भी, ठीक है? न्यूरल सिस्टम की बात करें, न्यूरल सिस्टम में तो इनकी पूरी बॉडी में ऐसे वेंट्रल साइड पे नर्व कॉर्ड पाई जाती है, ठीक है? वेंट्रल साइड पे पाई जाती है, याद रखना। नॉन कॉर्डेट्स में जब भी नर्व कॉर्ड मिलेगी वेंट्रल साइड पे मिलेगी, और डॉर्सल साइड से इसका कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है? ये बच्चे बीच में, आप जो कुछ हैं बच्चे कलाकारी कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा आप डिस्टरबेंस ना करिए बीच में, बहुत ध्यान से आप।
क्या होता है, अपना पूरा कंसंट्रेशन पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, आते हैं इस पे। नर्व कॉर्ड की बात कर रहे थे। नर्व कॉर्ड यहाँ पर पाया जाता है, पेयर्ड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं बॉडी में वेंट्रल साइड पे। नॉन कॉर्डेट्स में जब भी नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होंगे वेंट्रल साइड पे ही प्रेजेंट होंगे, कॉर्डेट्स में जब भी नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इन नर्व कॉर्ड को जो है जोड़ने के लिए गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नर्व कॉर्ड को जोड़ने के लिए गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये गैंग्लियन जहां भी पाए जाते हैं पेयर्ड स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ठीक है, कैसे पाए जाते हैं? पेयर्ड, तो इसको कहते हैं पेयर्ड गैंग्लियन, और सिंगल गैंग्लियन को, सिंगल गैंग्लिया को गैंग्लियन कहते हैं। ठीक है, सिंगल गैंग्लिया को गैंग्लियन कहते हैं जो इनका नर्वस सिस्टम बनाता है। नीरीज की अगर हम बात करें, जो कि एक्वेटिक एनेलिडा है, एक्वेटिक फॉर्म में पाया जाता है, डायशियस है। डायशियस का मतलब कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं। मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। लेकिन अर्थवॉर्म की बात करें अगर हम, तो अर्थवॉर्म जो है वो मोनोशियस होता है, यानी बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट पाया जाता है, और इसमें रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो सेक्सुअल ही पाया जाता है। ठीक है, सेक्सुअल पाया जाता है। साथ ही इसमें एनेलिडा में अगर हम बात करें तो अर्थवॉर्म को छोड़ दो, अर्थवॉर्म में नहीं, अर्थवॉर्म के अलावा जो एनेलिडा होते हैं तो कुछ में लार्वा स्टेज भी पाए जाते हैं। सो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और लार्वा स्टेज पाया जाता है। तो ट्रोकोफोर लार्वा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है, ट्रोकोफोर लार्वा एनेलिडा का एक कॉन्ट्रास्टिंग फीचर बोल सकते हैं कि एनेलिडा को पहचानने के लिए कि हाँ इसमें एक ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। हालांकि एनसीईआरटी में इसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि ट्रोकोफोर लार्वा एनेलिडा में मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने दो एग्जाम्पल हैं, एक नीरीज और दूसरा जो है हिरुडिनेरिया। ठीक है, हिरुडिनेरिया जिसे हम लीच कहते हैं, हाँ विक्रम कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा आप? जो भी आपका डाउट बेटा आप नोट करके रखिए, जब अपना लेक्चर एंड होगा मैं आप, व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन, चलो ठीक है, लगता है लास्ट क्लास आपने अटेंड नहीं की थी। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस इन बॉडी। ठीक है, कल भी किसी बच्चे ने ये पूछा था, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस इन बॉडी को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। जो बॉडी, जो फंक्शन हमारी बॉडी में किडनी परफॉर्म करती है, किडनी का फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है और किडनी का फंक्शन एक्सक्रीशन भी होता है, तो दोनों ही फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, और इसी फिनोमिना को ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की बात आती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल पाया जाता है। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। हाँ मोनोशियस होते हैं लेकिन इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता, ये बात याद रखना। मोनोशियस तो यानी बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन किसी एक अर्थवॉर्म का मेल गैमेट उसी अर्थवॉर्म के फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज नहीं करेगा, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, यानी एक अर्थवॉर्म का मेल गैमेट दूसरे अर्थवॉर्म के फीमेल गैमीट में जो है उसको फर्टिलाइज करता है। सीलोमिक कैविटी की बात आती है, बहुत अच्छे। सीलोमिक कैविटी इसमें बेटा ट्रू सीलोम पाया जाता है, सीलोमेट एनिमल होते हैं, ट्रू सीलोम पाया जाता है। ठीक है, एनेलिडा में। तो एग्जाम्पल की बात करें, नीरीज फेरिटिमा, हाँ हम कुछ एक पॉइंट बता रहे थे लीच के बारे में। ठीक है, लीच क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है हिरुडिनेरिया, और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी बॉडी में हिरुडिन, याद रखना, हिरुडिन नाम का एक केमिकल सिक्रीट होता है। ठीक है, वो हिरुडिन नाम का केमिकल इनके सलाइवा में पाया जाता है। ठीक है, ये हिरुडिन क्या करता है? ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, तो ये एक तरह का एंटी कोगुलेंट है। ठीक है,
ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, एक तरह का एंटीकोगुलेंट है। इसलिए लीच जिसकी बॉडी से ब्लड सक करते हैं तो उसमें पहले हिरुडिन सिक्रीट कर देते हैं, जिससे जहां से उनने ब्लड जहां से उनको ब्लड सक करना है वहां का ब्लड जो है क्लॉट नहीं करे, और इसी क्लॉटिंग ना करने की वजह से ही जो है इनका नाम, इसी हिरुडिन की वजह से ही इनका नाम हिरुडिना हिरुडिनेरिया पड़ा। ठीक है, ये याद रखना। और ये जिस क्लास में आते हैं उस क्लास को भी हिरुडिना कहते हैं। ठीक है, तो हिरुडिना जो है ब्लड सकिंग लीच है। अच्छा, ब्लड सक करने वाला जो न्यूट्रिशन है, ये भी बात याद रखना, ब्लड सक करने वाला जो न्यूट्रिशन है उसे सैंग्यूई वोरस कहा जाता है। ठीक है, सैंग्यूई वोरस, ठीक है, सैंग्यूई वोरस कहा जाता है ब्लड सक करने के न्यूट्रिशन को। तो ये भी एक बात याद रखनी है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बच्चे अभी भी कलाकारी कर रहे हैं बीच में, कहीं टिक मार्क, कहीं कुछ एरो, तो इसको आप लोग देखिए ध्यान से। इस पे कई बार कहने के बाद भी आप लोग बातों को समझ नहीं रहे, सीरियसली नहीं ले रहे। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सैंग्यूवोरस न्यूट्रिशन कहा जाता है जो ब्लड सक करने वाला न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हम अपने अगले फाइलम पे। नेक्स्ट हमारा जो फाइलम है जिसे कहते हैं हम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा, आर्थरस का मतलब होता है जॉइंट, आर्थरस का मतलब होता है जॉइंट, और पोडा का मतलब होता है लेग्स। तो यानी आर्थ्रोपोडा ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं या जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना, जब हम लेग्स की बात करेंगे तो लेग्स में केवल ये एक्सट्रीमिटीज आती हैं, लेग्स जिनको कहा जाता है, लेकिन जब हम अपेंडेजेस कहते हैं तो इसमें टेंटिकल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स और लेग्स दोनों ही अपेंडेजेस में आते हैं। तो जो आर्थ्रोपोडा वर्ड यूज किया गया है वो जॉइंटेड अपेंडेजेस के लिए किया गया है। अच्छा, एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें, और पूरे पहले तो पूरे एनिमल्स की बात, पूरे ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं, तो अर्थ पे लगभग 1.7 मिलियन स्पीशीज रजिस्टर की गई हैं प्लांट और एनिमल्स की मिलाकर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एनसीईआरटी में पूछा जाता है। 1.7 मिलियन यानी लगभग 17 लाख, 17 लाख स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव बीन रिपोर्टेड येट ऑन अर्थ, एंड आउट ऑफ दिस 17 लाख, 12 लाख आर एनिमल्स। सो 12 लाख स्पीशीज आती हैं एनिमल किंगडम में, और उस 12 लाख स्पीशीज में से अप्रोक्सीमेटली 9.5 लाख स्पीशीज आती हैं किसमें, आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, तो आप सोचिए कि 12 लाख में से 9.5 लाख स्पीशीज आर्थ्रोपोडा में आती है। तो ये पूरे एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम हो जाता है। ठीक है, और एनिमल किंगडम में आर्थ्रोपोडा और आर्थ्रोपोडा के अंदर एक क्लास आती है इंसेक्ट्स, और केवल अकेले इस इंसेक्ट्स में लगभग 9 लाख स्पीशीज पाई जाती हैं। तो एक तो सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा के अंदर सबसे बड़ी क्लास इंसेक्टा, और इंसेक्टा को ही हेक्सापोडा भी कहते हैं। ठीक है, सो 9.5 लाख में से लगभग 9 लाख इंसेक्ट पूरे अर्थ पे पाए जाते हैं, ये याद रखना। तो सबसे बड़ा फाइलम और सबसे बड़े फाइलम के अंदर सबसे बड़ी क्लास इंसेक्टा। जनरल कैरेक्टर की बात करें तो जब भी हम आर्थोपोडा की बात करेंगे तो हमारे ध्यान में जो सबसे कॉमन एनिमल आना चाहिए आर्थोपोडा में वो है कॉकरोच। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी है कॉकरोच, और यही एक स्पेसिमेन है जिसको लेकर यही एक स्पेसिमेन है जिसको लेकर हम डिटेल स्टडी करेंगे अपने जो है सिलेबस में। ठीक है, तो लार्जेस्ट फाइलम है ये, हमें मालूम हो गया। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, यानी डेवलप्ड एनिमल्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग, एक्सक्रेटरी सिस्टम अलग, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब इनमें एक मीडियल लाइन पाई जाती है, और लेफ्ट और राइट दो
इनमें सिमेट्री हो जाती है, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तीनों जो है तीनों जर्मिनल लेयर इनमें पाई जाती हैं। सेगमेंटेड होते हैं, इनकी बॉडी में हमें सेगमेंट दिखाई देते हैं। हम बात कर रहे हैं मेटामेरिज्म की, लेकिन इनमें ट्रू सेगमेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि सेगमेंट इनमें केवल और केवल बाहर की तरफ पाए जाते हैं, इंटरनल इनकी बॉडी में कोई भी सेगमेंटेशन नहीं होता, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सीलोमेट एनिमल्स होते हैं, सीलोमेट एनिमल्स का मतलब इनमें ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है। लेकिन मैंने आपको कहा था लास्ट टू लास्ट क्लास में, जो एनिमल किंगडम की पहली क्लास थी, मैंने बोला था कि आर्थ्रोपोडा और मोलस्का ऐसे एनिमल हैं जिनमें ट्रू सीलोम और फॉल्स सीलोम दोनों पाया जाता है, और ट्रू सीलोम जो है वो छोटी कैविटी होती है, जो बड़ी कैविटी होती है या मेन बॉडी कैविटी होती है वो इनकी फॉल्स सीलोम होती है, और उसी में फॉल्स सीलोम में ही ब्लड फ्लो करता है, इसलिए उसे हेमोसील भी कहा जाता है, ठीक है। तो सीलोमेट एनिमल होते हैं। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडा इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। आर्थ्रोपोडा की बॉडी के ऊपर इनका एक एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, याद रखना। और ये एक्सोस्केलेटन एनसीईआरटी में लिखा है काइटिनस होता है, यानी काइटिन का बना होता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, यहां पे लिखिएगा काइटिनस क्यूटिकल, काइटिनस क्यूटिकल। अगर ये ऑप्शन भी लिखा आए तो इसको भी करेक्ट करिएगा, क्योंकि ये ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। काइटिनस क्यूटिकल का बना हुआ एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, और नॉन लिविंग एक्सोस्केलेटन होता है। नॉन लिविंग एक्सोस्केलेटन मतलब कि ये टाइम टू टाइम अपने एक्सोस्केलेटन को शेड करते रहते हैं। नॉन लिविंग होता है तो उसमें ग्रोथ नहीं होती, लेकिन जब ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, जब इनकी बॉडी ग्रो करेगी, तो इनका एक्सोस्केलेटन छोटा पड़ जाएगा, ठीक वैसे जैसे हमारे बचपन में जो शूज़ हम खरीद के लाते थे, शूज़ पहनते थे, पैर बड़ा होता था, कुछ समय बाद हमारे शूज़ छोटे पड़ जाते थे, तो हम क्या करते थे, पुराने शूज़ छोड़ के फिर नया शूज़ ले आते थे। वैसे ही अब शूज़ तो लिविंग है नहीं, तो शूज़ ग्रो करेंगे नहीं, पैर तो ग्रो करेगा, लेकिन ऐसे ही इनका भी, इनका एक्सोस्केलेटन नॉन लिविंग है, वो ग्रो नहीं करेगा, लेकिन बॉडी लिविंग है, बॉडी ग्रो करेगी, तो ये टाइम टू टाइम पुराने एक्सोस्केलेटन को शेड कर देते हैं और नया एक्सोस्केलेटन डेवलप कर लेते हैं, और इस प्रोसेस को मोल्टिंग कहा जाता है, ठीक है, याद रखेगा। जैसे हमने सुना है सांप जो है अपनी कवरिंग को, केचुली को रिमूव करता है, वैसे ही जो आर्थ्रोपोड होते हैं ये भी अपने एक्सोस्केलेटन को शेड करते हैं, और इस प्रोसेस को मोल्टिंग कहा जाता है, या इसे एक और नाम दिया जाता है एक्डाइसिस, ठीक है। तो मोल्टिंग और एक्डाइसिस दोनों पाया जाता है, दोनों कहते हैं सेम प्रोसेस को, शेडिंग ऑफ देयर एक्सोस्केलेटन, ठीक है। अच्छा, इनकी बॉडी जनरली तीन पार्ट में पाई जाती है, अगर हम बात करें आर्थ्रोपोडा की। वैसे तो और भी डिविजन्स हैं इनके, लेकिन हम मेन उसी को लेके चलते हैं जो हमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो इनकी बॉडी में जनरली तीन पार्ट पाए जाते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। ये तीन पार्ट हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, और इनमें पाए जाते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है। जॉइंटेड अपेंडेजेस से मेरा मतलब है इनके टेंटिकल्स, इनके लेग्स, और इसके अलावा अगर इनमें कोई जो है क्लॉ वगैरह हैं तो वो सब आएंगे किसमें, जॉइंटेड अपेंडेजेस में। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस का पाया जाना ही आर्थ्रोपोडा का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ये पॉइंट याद रख लेना। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के पूछे क्वेश्चन की कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है, तो कहेंगे जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो इनमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स पाए जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनमें बुक शेप के गिल्स होते हैं तो उन्हें बुक गिल्स कहा जाता है, अगर बुक शेप के लंग्स होते हैं उन्हें बुक लंग्स कहा जाता है, और इंसेक्ट्स में जनरली कॉकरोच में ट्रैकिया प्रेजेंट होता है रेस्पिरेशन के लिए, और उस सिस्टम को हम ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। कॉकरोच की ही बात करें, कॉकरोच को ही लेकर हम चलेंगे क्योंकि हमारा कॉमन स्पेसिमेन वही है, अगर क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो आर्थ्रोपोडा को कॉकरोच से ही रिलेट करके आएगा। तो कॉकरोच में ट्रैकियल रेस्पिरेशन है, और साथ ही उसकी बॉडी पर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं,
लगभग 10 पेयर 20 पोर्स होते हैं, उन पोर्स को स्पाइरकल्स कहा जाता है। उन्हीं पोर्स से एयर अंदर जाती है और ट्रेकिया में एंटर करती है और फिर एयर वहीं से बाहर निकलती है। तो ट्रेकियल रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ पोर्स नोन एज स्पाइरकल्स, ये पॉइंट को याद रखना है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन टाइप का होता है, हमने कहा था इनकी जो सर कैन यू एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन गिल्स एंड बुक गिल्स। देखो गिल्स और बुक गिल्स में क्या होते हैं, गिल्स में जो इनकी यूनिट होती है, जो रेस्पिरेटरी यूनिट्स होती हैं, वो सब अलग अलग होती हैं, ठीक है। उनकी हाई ब्लड सप्लाई पाई जाती है और सबकी उनका ये जो बेसिक डिफरेंस गिल्स और बुक गिल्स का है, ये इनके शेप के बेस पर कहा गया है। जिनके गिल्स का शेप बुक शेप का होता है उन्हें बुक गिल्स कहते हैं, और जिनमें सारे उसके यूनिट्स अलग अलग होती हैं उन्हें केवल गिल्स कहा जाता है, ठीक है। और गिल्स से होने वाला रेस्पिरेशन दोनों में ही ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहलाता है, ये बात याद रखना। गिल्स हो या बुक गिल्स हो, उनसे होने वाला रेस्पिरेशन ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहलाता है। लंग्स या बुक लंग्स हो, उनसे होने वाला रेस्पिरेशन पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहलाता है। और ट्रेकिया से होता है तो ट्रेकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम पे आते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप का होता है। हमने जब जनरल क्लासिफिकेशन देख रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि इनकी बॉडी कैविटी जो होती है, बॉडी कैविटी सीलोम होता है, वहीं हार्ट से बॉडी कैविटी में ब्लड पंप होता है और बॉडी कैविटी से वापस ब्लड हार्ट में जाता है। इनमें ब्लड वेसल्स आर अंडर डेवलप्ड, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कभी क्वेश्चन आए कि ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट, तो नहीं, ब्लड वेसल्स आर अंडर डेवलप्ड, ठीक है, अंडर डेवलप होती हैं, मतलब फुली डेवलप नहीं पाई जाती है जिससे वो फंक्शन परफॉर्म कर सके, ये पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। ओपन टाइप का सर्कुलेशन होता है, हेमोसील इनकी बॉडी कैविटी है जिसमें ब्लड पंप होता है, तो हार्ट से ब्लड हेमोसील में जाता है और हेमोसील से वापस ब्लड हार्ट में जाता है। सेंसरी सिस्टम की बात करें तो इनमें सेंसरी ऑर्गन इनके एंटीना पाए जाते हैं। आपने कॉकरोच को देखा होगा, यहाँ पर बटरफ्लाई को देख रहे हैं, यहाँ ग्रास हॉपर को देख रहे हैं, तो इनमें टेंटिकल्स या एंटीना प्रेजेंट होते हैं जो कई तरह के रिसेप्टर को, मतलब कई तरह के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। कोई जो है वाइब्रेशन को रिसीव करता है, कोई टच को रिसीव करता है, तो ये टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं एज ए सेंसरी ऑर्गन। इसके अलावा आइज पाई जाती हैं। आइज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इनमें। आइज दो तरह की हैं यहाँ पर, कंपाउंड एंड सिंपल। अब कंपाउंड आई कैसी होती है और सिंपल आई कैसी होती है, ध्यान से सुने। जैसे हमारी आईज है, हमारी आंखों में सिंगल लेंस प्रेजेंट है, तो जिस आई में सिंगल लेंस प्रेजेंट होता है उस आई को सिंपल आई कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि सर सिंपल आई आर्थ्रोपोडा में किसमें पाई जाती है, तो स्कॉर्पियन में पाई जाती है, स्पाइडर में पाई जाती है। ये वो एनिमल्स हैं जिनमें सिंपल आई प्रेजेंट होती है। कंपाउंड आई की बात करें तो जो हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है, बटरफ्लाई है, इनकी आईज में छोटे छोटे बहुत सारे लेंसेज पाए जाते हैं और इन लेंसेज को ओमाटीडिया कहा जाता है, ठीक है, याद रखना, ओमाटीडिया। ये हेक्सागोनल लेंसेज होते हैं, एक के बाद एक आपस में अटैच होते हैं, ओमाटीडिया, ठीक है। ओमाटीडिया ये हेक्सागोनल लेंसेज होते हैं, आपस में अटैच होते हैं, तो एक एक आई में लगभग, अगर हम कॉमनली बात करें हाउस फ्लाई की, तो हाउस फ्लाई की पर आई एक आंख में लगभग 6000 ओमाटीडिया पाए जाते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड दो तीन पॉइंट है, आप याद रख लेना। कॉकरोच में, कॉकरोच की बात करें तो कंपाउंड आई और सिंपल आई दोनों पाई जाती है, लेकिन सिंपल आई आर वेस्टिजियल एंड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्युलर स्पॉट। वो हम जब कॉकरोच देखेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर इनमें ऑक्युलर स्पॉट है जहाँ पर वेस्टिजियल सिंपल आई प्रेजेंट है, तो उनमें भी ओमाटीडिया पाया जाता है। जैसे हम जनरली अगर बात करें तो कॉकरोच में पर आई एक आंख में लगभग 1000 ओमाटीडिया प्रेजेंट होते हैं, तो 1000 लेंसेज अगर किसी आंख में प्रेजेंट होंगे तो हर लेंस के सामने जितना पार्ट आता है केवल उसकी इमेज उस लेंस में बनती है।
तो सपोज करिए 1000 लेंस है, हर लेंस के सामने का जो पार्ट है वो उसकी इमेज बना रहा है, तो हर लेंस में हर ओमेटिडिया की छोटी छोटी बहुत सारी मतलब इमेज बनेगी, और इस तरह की इमेज को बोलते हैं मोजैक विजन। क्या बोलते हैं? मोजैक, MOSAIC, मोजैक विजन। ये पॉइंट को याद रखना है, मोजैक विजन पाया जाता है कंपाउंड आई में ओमेटिडिया की वजह से, ठीक है। और ये उस पूरे मोजैक विजन को अलाइन करके एक इमेज बनाते हैं, यानी एक ओमेटिडिया पूरी इमेज नहीं बना सकता, ठीक है इस पॉइंट। लेकिन इनकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती क्योंकि इनके पास 1000 लेंसेज हैं, तो इनकी आईज की सेंसिटिविटी ह्यूमन आई की सेंसिटिविटी से ज्यादा होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साथ ही इनमें बॉडी बैलेंस करने के लिए एक खास तरह का ऑर्गन पाया जाता है, बैलेंसिंग ऑर्गन, जिसे कहते हैं स्टेटोसिस्ट। ये पानी में रहते हैं या हवा में उड़ते हैं या जमीन पर चलते हैं, तो बॉडी को बैलेंस करने के लिए स्टेटोसिस्ट। हमारी बॉडी में कौन बॉडी बैलेंस करता है भाई? आप लोग हैं यहाँ पे, बताइए जरा, हमारी बॉडी में बॉडी बैलेंस करने का काम किसका है, बैलेंस को मेंटेन करने का काम किसका है? चैट में लिख सकते हैं बच्चे, जो लोग यहाँ पे हैं। आयर नहीं, ईयर बेटा, दिव्यांग ईयर, ठीक है। तो ईयर का जो मेन फंक्शन है, वेरी गुड, ठीक है, ईयर का इंटरनल पार्ट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है, वेरी गुड, आप लोगों के आंसर मिल गए मुझे। तो ईयर का जो मेन फंक्शन है वो है बॉडी बैलेंस करना, ठीक है। और बॉडी बैलेंस हियरिंग उसका एक एसेसरी फंक्शन है, यानी सब फंक्शन बोल सकते हैं, लेकिन मेन फंक्शन क्या है? बॉडी को बैलेंस करना। इनकी बॉडी में बॉडी बैलेंस करने के लिए पाए जाते हैं स्टेटोसिस्ट, जो इनके बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन की बात करें तो मालपीजियन ट्यूब्यूल, ठीक है, मालपीजियन ट्यूब्यूल पाए जाते हैं इनमें एक्सक्रीशन के लिए। एनेलिडा में हमने नेफ्रिडिया पढ़ा, ह्यूमंस में हमने बताया किडनी पाई जाती हैं। तो इनके मालपीजियन ट्यूब्यूल क्या करते हैं, इनकी जो बॉडी कैविटी है, ठीक है, बॉडी कैविटी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसी ब्लड में से एक्सक्रीटरी वेस्ट को ये निकालते हैं और एलिमेंट्री कैनाल में रिलीज कर देते हैं। तो मालपीजियन ट्यूब्यूल यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कराती है, ठीक है, किसका एक्सक्रीशन? यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन। तो इनमें ये यूरिकोटेलिक होते हैं और यूरिक एसिड का इनमें एक्सक्रीशन होता है, तो क्रिस्टल्स के फॉर्म में वो यूरिक एसिड रिलीज होते हैं, और ये इनको जीरिक कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए केपेबल बनाता है कि ये ऐसी जगहों पर भी सर्वाइव कर पाए जहां पर पानी की कमी हो। तो जनरली जो डेजर्ट एरियाज होते हैं, रेगिस्तान वाले एरियाज होते हैं, वहाँ पर जो हमें रेप्टाइल्स, हमने लास्ट क्लास में बताया था, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गई, आर्थ्रोपोड्स हो गए, इनमें ये तीनों ही यूरिकोटेलिक होते हैं। कैमल यूरिकोटेलिक नहीं है, इस बात को याद रखना, रेगिस्तान समझ के कैमल को यूरिकोटेलिक मत समझना, ठीक है। कैमल जो है यूरियोटेलिक है, लेकिन उसका यूरिन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है। ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। मोस्टली डायशियस होते हैं, डायशियस मतलब यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ओवीपैरस होते हैं भाई, ओवीपैरस दे ले एग्स, एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो कुछ में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कुछ में इनडायरेक्ट, यानी कुछ ऐसे हैं जिनमें लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती और कुछ ऐसे हैं जिनमें लार्वा स्टेज पाई जाती है, ठीक है। तो जैसे बटरफ्लाई के लार्वा की बात करें तो कैटरपिलर, कैटरपिलर लार्वा पाया जाता है। हाउस फ्लाई के लार्वा की बात करें तो हम मैगट कहते हैं, हाउस फ्लाई का लार्वा, ठीक है। और मॉस्किटो के लार्वा को हम बोलें तो रिगलर, ठीक है, रिगलर लार्वा पाया जाता है मॉस्किटो में। तो अलग अलग एनिमल्स में लार्वा अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी में लार्वा नहीं होते, ठीक है।
ये पॉइंट याद रखना है। तो डेवलपमेंट कुछ में डायरेक्ट भी होता है और कुछ में इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन हमने देख लिया इंटरनल है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे सामने सबसे पहले आते हैं लोकस्ट, यहाँ पर जिन्हें हम कहते हैं ग्रास हॉपर, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्रॉन, ये एक्वेटिक होते हैं। इसके अलावा कुछ इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट, देखो जो डायग्राम दिया और जो एग्जाम्पल दिया, इस पॉइंट को याद रखना। आपने दुनिया भर के एग्जाम्पल पढ़े हो, दुनिया भर का डायग्राम पढ़ा हो, किसी काम नहीं आएगा अगर आपने एनसीईआरटी के डायग्राम और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल याद नहीं किए, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी एनसीईआरटी से ही आएगा, और ये लिख के ले लीजिए। तो आपने दुनिया भर का पढ़ा, नहीं पढ़ा अच्छी बात है, पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो आप बहुत बड़े खतरे में हैं, ठीक है। अब एक बच्चे ने यहाँ पर पूछा, लेट मी सी, कि विक्रम ने पूछा हाउ इंसेक्ट्स आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। बेटा बहुत बड़ी बात है, अगर हम पूरे अर्थ पे फूड प्रोडक्शन की बात करें, ध्यान से सुनना इस बात को, हम पूरे अर्थ पे फूड प्रोडक्शन की बात करें तो फूड प्रोडक्शन करने के लिए प्लांट्स में पॉलिनेशन कराना जरूरी है, ठीक है। और जितना अर्थ पे पॉलिनेशन होता है उसका 79% पॉलिनेशन केवल हनी बीज कराती है, ठीक है। 80% पॉलिनेशन इंसेक्ट कराते हैं और 79% पॉलिनेशन हनी बीज कराती हैं। केवल 20% पॉलिनेशन जो है जो एयर और वाटर और दूसरे माध्यमों से होता है। तो फूड प्रोडक्शन के लिए, फ्रूट प्रोडक्शन के लिए, मतलब अगर हनी भी ना हो तो हमारा फूड प्रोडक्शन 79% तक कम हो जाएगा, ये आप समझो। तो जो फ्लावर्स हमारे आसपास दिखते हैं, जो फ्रूट हमें पेड़ों से मिलते हैं, उन सबको पॉलिनेट करने के लिए हनी बीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा क्या इनसे हमें और बेनिफिट मिलता है? साथ ही हनी बीज से हमें हनी भी मिलता है और मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस होती है। सिल्क वॉर्म जिसे हम बॉम्बिक्स मोराई कहते हैं, इन्हीं के प्यूपा से हमें सिल्क थ्रेड मिलते हैं। लैक आपने सुना होगा, लैक इंसेक्ट होते हैं, लैक के बैंगल्स बनते हैं, बॉक्सेस बनते हैं, प्लास्टिक जैसा लगता है लेकिन सो फार्मर यूज टू बाई दीज इंसेक्ट्स। नहीं बेटा, फार्मर इंसेक्ट्स को बाई नहीं करते, ये इंसेक्ट्स जो है जनरली हमारे एटमोसफियर में पाए जाते हैं। सो फार्मर्स इन्हें बाई नहीं करते क्योंकि वो फिर अलग हो जाएगा, वो हो जाएगा एनिमल हस्बेंड्री में आ जाएगा, वो फार्मिंग नहीं, एग्रीकल्चर नहीं रहेगा, ठीक है। वो एक तरह का, वो भी एग्रीकल्चर है लेकिन वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर नहीं है, ठीक है। तो जनरली हमारे एनवायरमेंट में जो है हनी बी और इंसेक्ट्स वगैरह पाए जाते हैं, यही पॉलिनेशन कर लेते हैं और इसीलिए ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। लैसीफर या लैक इंसेक्ट में बोल रहा था, लैक प्रोडक्शन करते हैं जो, और लैक का यूज होता है बैंगल्स और बॉक्सेस को बनाने के लिए, डिजाइनर बॉक्सेस। इसके अलावा कुछ डिजीज को फैलाने का भी काम करते हैं, डिजीजेस का फैलाने का काम, यानी ये वेक्टर होते हैं। वेक्टर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा वेक्टर, और मैं उसी से रिलेट करके आपको समझाऊंगा। फिजिक्स में पढ़ा होगा वेक्टर किसे कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, ठीक है, उसे वेक्टर कहा जाता है। यहां पर वेक्टर किसे कहते हैं, एक ऐसा इंसेक्ट जो डिजीज को होल्ड करे और उसको फैलाए भी, यानी डिजीज को होल्ड कर रहा है तो उसके पास मैग्नीट्यूड है और वो किसी डायरेक्शन में उस डिजीज को फैला भी रहा है, तो उसमें जो है वो उसमें मैग्नीट्यूड भी है और वो डायरेक्शन भी शो कर रहा है, तो इसीलिए उसे वेक्टर कहते हैं। वेक्टर बायो की लैंग्वेज में किसे कहा जाता है, जो होस्ट भी हो और जो कैरियर भी हो। सो होस्ट प्लस कैरियर इज इक्वल टू वेक्टर। तो एनोफिलीज मॉस्किटो, क्यूलेक्स और एडीज मॉस्किटो को हम वेक्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जैसे एनोफिलीज की बात करें हम, सो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो मलेरियल पैरासाइट है उसको ये स्प्रेड करते हैं, ठीक है, उसको स्प्रेड करते हैं और उन्हें एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलाते हैं, ये बात हमारे समझ में आती है। तो इनमें होस्ट और कैरियर होने का मतलब क्या, जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है उसकी आधी लाइफ साइकिल ह्यूमन बॉडी में चलती है और आधी लाइफ साइकिल मॉस्किटो की बॉडी में चलती है। तो अगर मॉस्किटो ना हो तो उसकी आधी लाइफ साइकिल रन नहीं कर पाएगी, और इसलिए
उसे कहा जाता है होस्ट भी है और कैरियर भी है, ठीक है। होस्ट मतलब उसको उसकी लाइफ साइकिल को जो है रन करने में हेल्प कर रहा है, और दूसरा उसको फैला भी रहा है। तो इसीलिए हम वेक्टर वर्ड यूज करते हैं, और ये तीनों के लिए है, एनोफिलीज के लिए भी, क्यूलेक्स के लिए भी और एडीज के लिए भी। ये तीनों ही मॉस्किटो हैं। ग्रिगेरियस पेस्ट, ग्रिगेरियस क्या होता है आप समझिएगा, ग्रिगेरियस हम कहते हैं ऐसे, देखो सबसे पहले पेस्ट को समझो, पेस्ट क्या होता है, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए हार्मफुल है उसे पेस्ट कहा जाएगा, ठीक है। एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर इज नोन एज पेस्ट, चाहे वो ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल हो, या एग्रीकल्चर के लिए हार्मफुल हो, या ह्यूमन बेनिफिट के लिए हार्मफुल है, वो पेस्ट कहलाएगा, जिसमें बैक्टीरिया भी आते हैं, वायरस भी आते हैं, रोडेंट भी आते हैं यानी चूहे भी आते हैं, इंसेक्ट्स भी आते हैं, फंजाई भी आते हैं, ये सब पेस्ट हैं। तो इनको मारने के लिए जो भी केमिकल यूज करते हैं पेस्टिसाइड। अब ग्रिगेरियस पेस्ट क्या हो गया, ग्रिगेरियस यानी ग्रुप में रहना लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं करना, ठीक है, इसको समझना। ग्रिगेरियस जो है लोकस्ट इसका एग्जांपल है, जिनको हम ग्रास हॉपर कहते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल समझो कि आपने बी हाइव देखा होगा, बेटा कलाकारी नहीं करें, ठीक है, आपने बी हाइव देखा होगा, मधुमक्खी का छत्ता, और आप एक पत्थर मधुमक्खी के छत्ते पे मार दो, देखना आप पूरी मधुमक्खियां जो है आपको घेर लेंगी। वो क्या हो गया, दे आर सोशल एनिमल, सोशल होती हैं, क्योंकि एक को अटैक करेंगे तो दूसरा उसके लिए रिस्पॉन्स देने के लिए साथ है। लेकिन ग्रास हॉपर में क्या होगा, ये ग्रुप में होंगे, एक को मारो दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब ग्रुप में रहें और कोऑर्डिनेशन ना रहे तो उसे कहते हैं ग्रिगेरियस, जो कि लोकस्ट है, और अगर ग्रुप में रहें और उनमें कोऑर्डिनेशन रहे तो उसे कहते हैं सोशल, जो कि हनी भी है। ये पॉइंट याद रखना, ग्रिगेरियस पेस्ट मतलब बिना कोऑर्डिनेशन के ग्रुप में रहने वाले एनिमल जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए हार्मफुल हैं, उन्हें ग्रिगेरियस पेस्ट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल क्या होते हैं, अगर आप लोगों का थोड़ा सा दिमाग काम करे और 10th क्लास अगर आपने पढ़ा है तो मैं आपको फॉसिल तो मालूम ही होगा, फॉसिल क्या, फॉसिल फ्यूल बनता है भाई, लाखों करोड़ों साल से जो ऑर्गेनिक मैटर अर्थ सरफेस में दब गया था वो अनडिकम्पोज फॉर्म में फॉसिल फ्यूल में बदल जाता है, ये तो मालूम है। लिविंग फॉसिल क्या है, ऐसे एनिमल, इसको डिटेल में हम आर्थ्रोपोडा में देखेंगे, सॉरी डिटेल में हम इसको इवोल्यूशन में देखेंगे लिविंग फॉसिल, अभी मैं यहाँ पर इसका मतलब बता दे रहा हूँ। लिविंग फॉसिल ऐसे एनिमल हैं जो अपने उसी फॉर्म में या उसी स्ट्रक्चर में आज भी पाए जाते हैं जैसे वो लाखों करोड़ों साल पहले थे, यानी उनमें इवोल्यूशन का कोई भी चेंज नहीं आया। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में इवोल्यूशन का कोई भी चेंज नहीं आता है उन्हें लिविंग फॉसिल कहा जाता है। इसमें एग्जांपल लाइमुलस या किंग क्रैब है, और भी एग्जांपल है, क्रोकोडाइल भी है इसका एग्जांपल, लेकिन वो आर्थ्रोपोडा में नहीं आता। हमें साइकस प्लांट की बात करें, साइकस भी लिविंग फॉसिल है, ठीक है। तो ये सीलोकैंथ एक फिश है, वो भी लिविंग फॉसिल है। तो इनमें इवोल्यूशनरी चेंज आया नहीं। सो ऐसे एनिमल या ऐसे प्लांट्स जिनमें कभी भी इवोल्यूशनरी चेंज नहीं आया उन्हें लिविंग फॉसिल कहा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अब बच्चों आपको अगर कुछ डाउट हो तो आप एक एक करके मुझसे पूछ सकते हैं।